चोपड़ा की एक शॉर्ट फिल्म है जो धीरज जिंदल ने डायरेक्ट की है. बहुत ही सिंपल सी कहानी है, एक मदर और सन की स्टोरी है और एक मदर और सन की स्टोरी है और ये मैं नहीं बताना चाहूँगी कि एंड में क्या होता है क्योंकि वो फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा. लेकिन ये लार्ज शॉर्ट फिल्म्स के प्लेटफॉर्म पे आज रिलीज़ हो रही है 8:30 बजे. 15 मिनट की फिल्म है. बहुत सारी दूसरी फिल्में भी लार्ज शॉर्ट फिल्म्स पे रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी शॉर्ट फिल्म है और एक सिंपल स्टोरी है जिसका आजकल जब लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाने जाते हैं तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ों में घुस जाते हैं. मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही एक सिंपल स्टोरी है और बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई है. कैसा एक्सपीरियंस है शूट करना एक चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ? बहुत डिफिकल्ट होता है एक मैचअप करने के लिए. हाँ, लेकिन सरताज एक बहुत ही एनर्जेटिक और एनर्जेटिक चाइल्ड एक्टर है और बहुत ही अच्छा एक्टर है तो उसके साथ हमें ज़्यादा टेक्स नहीं लेनी पड़ी और मज़ा आया उसके साथ शूटिंग में. और इनफैक्ट उसकी एनर्जी इतनी हाई थी कि हमें अपने उसकी एनर्जी तक मैच करने में थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन हमने मैनेज कर लिया. स्कूल बैग की बात करें तो मैम, तो स्कूल की यादें कोई है आपको ऐसे कुछ शेयर करना चाहिए? मेरा स्कूल बैग बहुत ही भारी हुआ करता था जिसकी वजह से मेरे शोल्डर्स अभी भी वैसे ही रह गए हैं मुझे लगता है. तो प्लीज़ आप भारी स्कूल बैग्स मत यूज़ कीजिए. मैं भारी स्कूल बैग की बात करूँ तो अभी इतना भारी बैग होने के बाद बैक पेन बहुत होने लगा है बच्चे लोग को ये उम्र से ही, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए सरकार? आजकल होता है क्या भारी स्कूल बैग? आजकल तो सब आईपैड पे हो जाता है ना, तो मुझे नहीं, लोग किताबें भी ले जाते हैं क्या स्कूल में? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आजकल तो एक आईपैड में सब कुछ ले जाया करते होंगे. अवार्ड्स तो फिल्में जाती हैं फेस्टिवल्स पे और अवार्ड्स भी बहुत मिलते हैं और वो बहुत अच्छी बात होती है. एक तरह से आपको अपने काम पर फीडबैक मिलता है लेकिन रियल फीडबैक तभी, सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक तभी मिलता है जब एक वाइडर ऑडियंस तक वो फिल्म पहुंचे. तो लार्ज शॉर्ट फिल्म्स एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है. मैंने उनके साथ एक दूसरी फिल्म की थी चटनी जिसको आज 90 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं जो कि शायद सबसे ज़्यादा व्यूड शॉर्ट फिल्म होगी. और सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड वेरी हैप्पी दैट द स्कूल बैग हैज गॉट ऑन टू दैट प्लेटफॉर्म. यस, रसिका बहुत अच्छी दोस्त है. हम लोगों ने 2008 में साथ में काम किया है. चलिए थोड़ा उसके बाद डेफिनेटली उनका काम अभी देख रहा हूँ. उसकी पिछले काफ़ी अच्छा काम और कर चुकी हैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रसिका के लिए और फिल्म देखने का. सर, शॉर्ट फिल्म के दौर है तो क्या हम फ्यूचर में आपको देख पाएंगे शॉर्ट फिल्म के लिए? हाँ यार, एक करी तो है अभी एक शॉर्ट फिल्म भगत सिंह के ऊपर, शहीद भगत सिंह के ऊपर, वो जल्दी देख पाएंगे आप लोग. स्कूल के मेमोरी कुछ याद आ रही है आपको? स्कूल बैग की? हाँ यार, स्कूल बैग बहुत हैवी होता था, किताबें बहुत होती थी मगर हम बाहर निकालते थे और स्पोर्ट्स का सामान ज़्यादा होता था. तो यस, स्कूल बैग से स्कूल मेमोरी याद आती है डेफिनेटली. मैं कहूँगा कि ये फिल्म द स्कूल बैग बहुत अवार्ड जीत चुकी हैं और कुछ 22 अवार्ड जीती हैं यहाँ इंटरनेशनली. तो मुझे ख़ास दिलचस्पी है इस बात में कि मैं इसे गौर से देखना चाहता हूँ क्योंकि ऐसी फिल्में जिन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं वो काबिल तारीफ होते हैं और मैं चाहता हूँ कि स्मॉलर फिल्म मेकर्स, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को एक मंच मिले, एक स्टेज मिले ताकि वो अपनी पिक्चरों को दिखा सकें, ताकि लोग उन पिक्चरों का मज़ा ले सकें. क्योंकि बड़े स्टूडियोज अपने ढंग से पिक्चर बनाते हैं लेकिन जब छोटे फिल्म मेकर्स एक पैशन के साथ बनाते हैं तो कुछ और बात हो जाती है. और आजकल फिल्म मेकिंग बहुत डेमोक्रेटिक हो गई है, आप एक सेलफोन पे भी फिल्म बना सकते हैं और जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो इतना कॉस्टली नहीं है जितना कि हुआ करता था. तो आजकल कोई भी फिल्म बना सकता है. इसलिए जो भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स अच्छी फिल्म बनाते हैं उनको जितनी सपोर्ट हम दे सकें हमें देनी चाहिए. और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ये पिक्चर उतनी अच्छे लगे जितने की इसकी रेपुटेशन है. रसिका, हु इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इज इन द फिल्म एंड शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच हर एंड वॉच द फिल्म. एक्चुअली आई थिंक आप थोड़ा सा आउट ऑफ डेट हैं क्योंकि आज की जो सबसे वेल नोन एंड फेमस शॉर्ट फिल्म है वो हमारी ही है. इट्स कॉल्ड चटनी. सो प्लीज़ सी इट.
okay, like what sort of expectations you have from this film, like kaisi hogi, like school bag. I think the school bag is a very big commentary on social issues. So I think short film mein ek choti si kahani aap sankshipt mein bata sakte hain. Log bade bade TV shows bhi dekh rahe hain, subah se lekar shaam tak pura season dekh lete hain aur 10-1 minute ki content apna earphone laga ke taxi mein yahan se wahan aate jaate journey karte hue dekh lete hain. So I think dono tarah ke content chal rahe hain. So I'm very excited to see it. Sir, jaisa title suggest karta hai school bag, to koi yaad hai aapki school ko lekar kuch share karna chahiye? नहीं यार, अच्छा हुआ स्कूल से बाहर निकले, थैंक गॉड. वन सीरियस इशू बैक की बात करें तो इतनी मतलब वजन हो चुके हैं बुक्स के कि नाउडेज बैक पेन होने लगे बच्चे को ये उम्र में, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि अभी ये उम्र में से आई थिंक वो चेंज हो रहा है बिकॉज आई थिंक पीपल आर गेटिंग अ लॉट मोर कॉन्शियस अबाउट कि बच्चों को किस तरह की पढ़ाई देनी चाहिए एंड वो जो एक रोटेशन लर्निंग मोक लर्निंग है वो बदल रहा है. आई थिंक इट्स मच बेटर. After chutney, anything else? Yes, after chutney, maybe some other kind of sauce, but coming up. Rasika is my friend. She's a fabulous actor. I have never got an opportunity to work with her. चालू रखूँ या? हाँ जी हाँ जी. बोलूँ बोलूँ. हाँ, रसिका मेरी दोस्त है. तो आई हैव नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हर एंड वो भी थिएटर वाली, हम भी थिएटर से हैं, तो उन्होंने बुलाया तो आई हैव कम टू सी हर वर्क. आई एम एन एडमायरर ऑफ हर वर्क एंड होपफुली दिस विल ऑल्सो बी एज गुड एज ऑल द अदर वर्क दैट शी हैज डन. आई एम रियली एक्साइटेड. आई हैव स्टार्टेड मूविंग अराउंड राइट नाउ सो बिकॉज ऑफ माई लेग. या सो आई हैव बीन इंजर्ड. सो I don't know. I'm yet to watch the film. It looks sweet. I met the boy. He's a sweet little boy. He has a lovely energy, and he was somersaulting and doing cartwheels and all that. So I'm really. He seems like you know, quite a energetic kid. So I'm interested to see what he's done in the film as well. He has a lovely energy about himself. So I don't know what to expect. I'm here. I'm blank slate. I have nothing. I have no idea ki ye film kis bare mein hai. It seems like the people who are associated with this film, they have a very good energy about them. So I'm I hope you know, something nice. I have done some short films, very few of them I've done. It's nice. I think it's you tell a story because there are different kinds of stories. Sometimes you need 90 minutes or 2.5 hours to tell a story. Sometimes you can tell a story in 10 minutes and all kinds of stories. Like it can be something that will scare you, something that has a message, something that's very sweet, something that's funny, or something that's very violent. It really, there are lots of different kinds of stories, and it's a you know, we need this kind of entertainment, and we're also moving into a different age where I think people consume entertainment in a different way, and I think shorter formats are becoming more popular. Hopefully the quality of these films will not come down. That's the hope. So far I think most of these short films have been really 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 brilliant. So I think it's the as the age is changing, as we're going to new times, we're seeing new formats. Thank you.